बिस्म ला रही वी आर डूइंग एडवांस स्ट्रैटीज जिसमें हम बात कर रहे थे कि सिंथेटिकली हम चीज़ों को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट सिंथेटिक कैश पोजीशन अगेन सिंथेटिक थोड़ा सा रिकॉल इज आर्टिफिशियली क्रिएटिंग थिंग्स जो कि एक्चुअल पोजीशन उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो बट वी वॉन्ट एक्सप्लोर ऑफ दैट सिंथेटिकली चेंज पोजिशन फ्रॉम इक्विटी टू कैश उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम यूजिंग फ्यूचर्स जो हैं अपने स्ट्रक्चर को अपनी जो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको चेंज कर लेंगे बट फिजिकली जो है वो पोर्टफोलियो वैसे ही एक्जिस्ट करेगा उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगेन हमने जिस तरह पहले सिंथेटिकली इंडेक्स क्रिएट किए थे अब हम सिंथेटिकली कैश की बात करें अब अगेन इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वी नीड टू डू टू कन्वर्ट दम टू कैश नंबर ऑफ़ इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे कितने करने चाहिए दैट इज डिटर्मिन थ्रू वैल्यू इन टू वन प्लस आर एफ पावर टी डिड बाई पी एफ वट इज़ इंक्लूडेड कि हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है पी एफ इज द फ्यूचर प्राइस कि जो प्राइस हमारे पास क्या अवेलेबल चल रही है एंड आर एफ इज़ द रिस्क फ्री रेट एंड टी इज़ द टाइम ड्यूरेशन जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो इससे हमें पता लगेगा कि हमें कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है अब जाना से मुराद जरूरी नहीं है कि हमने प्रॉड उसमें लॉन्ग पोजीशन ही लेनी हो वी माइट बी टेकिंग अदर पोजीशन स्पेसिफिकली केस में जाके हम देखेंगे कि वी कुड टेक द रिवर्स क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कैश की तरफ कन्वर्ट करना वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इक्विटी वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू कैश अच्छा जी अब ये जरा केस स्टडी थोड़ी सी हम देखते हैं एज्यूम पेंशन फंड हैज मिलियन लार्ज कैप पोजीशन लार्ज कैप से मुराद हमारी क्या है लार्ज कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स यानी कि वो स्टॉक जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है उनका दस मिलियन उसमें इन्वेस्टेड है फंड मैनेजर हैव आउटलुक फॉर मार्केट फॉर नेक्स्ट थ्री मंथ्स कि जो मैनेजर है ही इज नॉट वेरी बुलिश ऑफ द मार्केट उसको लग रहा है कि मार्केट ने तो क्रैश कर जाना है या कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करना रिस्क में है गिर भी सकती है बहुत ज्यादा सो इज अबाउट मार्केट मंथ फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट फोर्टीन हंड्रेड और इसका मल्टीप्लायर अगेन टू फिफ्टी है मल्टीप्लायर कुछ भी हो सकता है बट वी विल बी प्रोवाइडेड विद द डाटा एंड थ्री ट्रेजरी बिल यील्ड इज टू पॉइंट एट कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले इस डेटे को जरा ग्रास्प कर लें कि हमारे पास है क्या हमारे पास दस मिलियन के शेयर पड़े हैं हम और हम स्टॉक मार्केट से रिस्क अपना ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फिर पहली बात तो ये है भाई जान आप उठाएं और शेयर बेच दें और तीन महीने बाद दोबारा खरीद लें इट ईजी सेड दस मिलियन के शेयर बेचेंगे ह्यूज ट्रांजेक्शन कॉस्ट फिर दोबारा खरीदेंगे फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट फिर आपको एंट्री एग्जिट पे जो कमीशन और प्लस आपका जो प्रोसेस टाइम इट विल बी नॉट दैट इजी। प्लस हो सकता है आपको इतना अलाउड भी ना होगा सारा पोर्टफोलियो नील कर सके तो so, so फिर हम ये ऑप्शन देख रहे हैं कि हम इसको सिंथेटिकली कैसे डील करें लेट्स सी हाउ वी डू विद इट तो इसमें हम क्या करेंगे सेम डाटा हाउ वी डू इज वी नीड टू नो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो एज द पोर्टफोलियो वैल्यू टेन मिलियन वी मल्टीप्लाई रिस्क फ्री रेट विद द पावर क्योंकि जिस पीरियड की हम बात करें हैं इट्स फॉर थ्री मंथ्स टू वन बाई फोर इज पॉइंट टू फाइव और फ्यूचर की प्राइस इस वक्त है चौदह सौ और मल्टीप्लायर है टू फिफ्टी तो इट गिव्स अस माइनस ट्वेंटी एट पॉइंट डबल सेवन अगेन एज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इन फ्रैक्शन सो विल हैव टू राउंड इट टू डू दैट इसका मतलब क्या होगा कि मैनेजर विल सेल ट्वेंटी नाइन लार्ज कैप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेट मी एल अगेन कि हम उनतीस पोजिशन में सेल की पोजिशन लेंगे यानी कि वी आर गोइंग टू बी शॉर्ट ऑफ द फ्यूचर क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास शेयर पड़े हुए हैं अब दूसरी तरफ हमने इंडेक्स में अपने आप को शॉर्ट कर लिया तो अफेक्टिवली हमें क्या बच गया कैश ये इसको वैसे जरा थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लें होगा क्या अगर मार्केट ऊपर गई तो शेयर्स हमारे पास जो पड़े हैं उनकी वैल्यू ऊपर चली गई और फ्यूचर्स जो हैं हमने वो शॉर्ट किए हुए हैं तो वो हमने नीचे चले गए उसमें हमें नुकसान हो गया तो एक तरफ गेन हुआ एक तरफ नुकसान हुआ तो हमें बैलेंसिंग में हमारे पास जो रिस्क फ्री रिटर्न है वही कमाया मार्केट नीचे गिर गई तो हमारे पास जो शेयर पड़े थे उसकी वैल्यू नीचे चली गई लेकिन क्योंकि हमने इंडेक्स में शॉर्ट किया हुआ था तो उधर से हमें गेन हो गया यानी कि मार्केट की मूवमेंट अब हमें अफेक्ट नहीं कर रही हम ऐसे ही बैठ गए जैसे हमने पैसे टी बिल्स में रखे हुए हैं दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्ट्रेटजीज कि ये सिंथेटिकली हमारे प्रोफाइल को चेंज कर देती हैं विदाउट फिजिकली चेंजिंग द होल पोर्टफोलियो तो ये सिंथेटिक की फीचर्स हैं इसमें देखें हुआ क्या वी डोंट हैव टू सेल वी डोंट हैव टू बाय द होल टी बिल ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम बचा लेते हैं तो कई दफ़ा हमें ये अलाउड भी नहीं होता कि भाई आप सारे शेयर बेच दो या कई दफ़ा ये भी नहीं होता कि आप सारे पैसे उधर लगा दो तो सिंथेटिकली चीज़ों को आप मूव कर सकते हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए आप ये फ्लक्चुएशन कर सकते हैं आप महीने के लिए कर लें तो महीने के लिए इतना बड़ा पोर्टफोलियो बेचना खरीदना शायद आसान ना हो लेकिन सिंथेटिकली दीज मेक्स सेंस दीज आर द स्ट्रेटजीज विच मेक्स आस एबल टू डू दीज थिंग्स इन अ वेरी गुड वे थेटिक पोजीशन हमें कर क्या सकती हैं इट्स वर्ल्ड इज ओपन जैसे हमने अभी बात की इक्विटी को कैश में कन्वर्ट कर दें इक्विटी को हम बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में तो हमने रिस्क फ्री में चले गए ना हम कहते हैं चलें बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स को इंडेक्स में कर लें इंडेक्स को शेयर्स में चले मतलब वी कैन ड्रिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर इन दिस सिंथेटिक ऑप्शन और हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और हमें उस जो हमारा मकसद है वो हम इससे अचीव कर लेते हैं तो सिंथेटिक पोजीशन ये भी इक्विटी की बात की थी तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इक्विटी बॉन्ड्स पढ़ें आप बॉन्ड से इक्विटी में मूव कर लें बॉन्ड से कैश में मूव कर लें बॉन्ड से इंडेक्स में और ये लिस्ट लॉन्ग है इट्स नॉट अ कम्प्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट बट जिस तरह के भी आप एसेट हैं उसमें से आप किसी में मूव कर सकते हैं और फुली मूव करना भी नहीं ज़रूरी पार्शली मूव कर दें से ट्वेंटी परसेंट आप शिफ्ट कर लें अपना फिफ्टी परसेंट शेयर कर लें तो आप अपनी एलोकेशन को अपने मुताबिक रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दिस टूल सो दीज आर वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। अभी हम इस पर थोड़ी फर्दर आगे के सेशंस में इस पर फर्दर भी बात करेंगे और ये स्ट्रैटेजीज हमारे लिए थोड़ी सी नई हैं, तो मेक श्योर वी प्रैक्टिस दैम वी रिसर्च दैम इनको थोड़ा आप नेट पर सर्च भी करें थैंक यू